অনেক রাস্তাঘাট তৈরি করতে গেলে কিন্তু গাছগুলো কেটে ফেলে। এটা স্টেশনটা আসলে অনেক সুন্দর ছিল এবং টিকিটটা অটোমেটিক ভাবে নিতে পারবে। একটা বুলেট ট্রেন চালু হবে যার জন্য আসলে স্টেশন স্বাগতম সবাইকে বিচি রিঅ্যাকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা দেখব রেল স্টেশনের ভিডিও। আমরা সবসময় রেলগাড়ি ট্রাভেল এবং রেলগাড়ি কীভাবে চলে, কোথা থেকে কোথাও যাচ্ছে এগুলো ভিডিও দেখি, আর আজকে দেখব স্টেশনের উপরে ভিডিও। ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে নাইট ভিউ অফ বানারাস রেলওয়ে স্টেশন। পরটুকু হিন্দিতে বলতে বলতে পারবো না, পড়তে পারো না? আমি হিন্দি পড়তে পারি না, আমিও পারি না, তো এটুকু আমরা বলতে পারছি না। আর এটি নেওয়া হয়েছে ইউটিউব চ্যানেল আনিস ভার্মা থেকে, আর ওনার এই ভিডিওটি লিংক আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি রাতের বেলা কেমন লাগে বানারসের রেলওয়ে স্টেশন। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिस शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी हम बनारस रेलवे स्टेशन आए हैं, यह प्लेटफॉर्म नंबर 8। आप देख सकते हैं कि खूबसूरती आज देख सकते हैं एकदम एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया गया इसको ना, सफाई एकदम एक नंबर है। और इसका जो कोड है वो BS है। ये देखें यहाँ पर वेटिंग हॉल है, ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे जैसा अर्थ नारेश्वर का बनाया गया है प्रतिमा, और सारनाथ और अशोक चिन्ह जो वाराणसी में लिया गया वो दिखाया गया है। ये देखिए झरना टाइप में गिराया गया है। दोस्तों बता दो कि जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वाराणसी से कोलकाता के बीच में, उस स्टेशन में जो लास्ट स्टॉपेज है वाराणसी का वो यहीं को बनाया जाएगा इसी क्षेत्र को, और इसे फुल्ली AC में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए बाहर साइड दिखाता हूँ मैं आपको कैसा नज़ारा है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये 1080p 50 FPS पे शूट किया हूँ, और इसे फुल क्वालिटी में देखिएगा। मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिले। ये देखिए अच्छे टिकट काउंटर है, यहाँ पर जैसे LED स्क्रीन लगाया गया पूरा, और क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर है मैं दिखाता हूँ आपको, की चेंज हो चे सेटा उन्हें देखा चे हाँ, तो आज उन्हें फैसिलिटी से बहुत अच्छी बना है उन्हें तो नया हो चे। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का परिसर दिखाते हैं आपको। बाहर से एक छोटी सी ट्रेन रखी गई है, मतलब टॉय ट्रेन हम लीजिए तरह से, और उस पर जो लाइटिंग की गई काफ़ी अच्छी की गई है। ये देखिए बाहर एंट्री करने का गेट है ये, और जो अच्छा में लोग हैं यहाँ पे दिव्यांग लोग हैं उनके लिए देख सकते हैं यहाँ पर रैंप बनाया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों मेरी वॉइस क्वालिटी कितनी आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं LED स्क्रीन लगाया गया है ताकि बाहर से लोगों का किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है और टाइमिंग क्या है उसका, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। जो क्लाउड आ रहा है देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर शिवगंगा स्पेशल 22:15 प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी। अब BSB न्यू दिल्ली 23:10 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं झंडा शाम हो गया लग रहा है, शायद उतारा नहीं गया अभी। ये है पूरे बाहर का परिसर, यहाँ पे हिंदी बनारस लिखा हुआ है, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जो गार्डनिंग किया गया वो काफ़ी अच्छा किया गया है, एकदम हरा भरा लगता है यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे हिंदी में जो बनारस लिखा वो तो और खूबसूरत है। यहाँ देखिए लाइटिंग किया गया अच्छा खासा, इन झाड़ियों में ये जो लाइटिंग है देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए पूरा हरा भरा क्षेत्र, चलिए उस साइड आपको फवारा दिखाता हूँ मैं, कितना अच्छा फवारा है। ये जो ब्लू स्काई है दोस्तों
आप इसमें उसको 10 में से कितना रेट देना चाहते हैं जरूर बताइएगा। और पिछली बार में जब बनाया था कि इसका नाम चेंज हो गया है मरवाड़ी से बनारस, तो उसमें मैंने पूछा था कि आपको यहाँ की नाइट वाली वीडियो पर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कई लोगों ने कमेंट किया था, तो उन्हीं के कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। दे सकते हैं बनारस 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 लिखा हुआ है, ये देखिए फवारा यहाँ पे। दोस्तों बता दें कि इसको एक तरह से सेल्फी पॉइंट के रूप में लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:42 और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बनारस। पहले इसका नाम मंडवाड़ी था लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कत होता नाम यहाँ पे बोलने में समझने में, तो इसको बनारस कर दिया गया है क्योंकि वाराणसी में 3 स्टेशन हैं जो वाराणसी के नाम से, एक काशी है, एक वाराणसी है और दूसरा बनारस। पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है ये, यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारा बहुत बड़ा बनाया गया है आपका, ये देख सकते हैं कितना सुंदर जलाशय टाइप में बनाया गया है। इसकी लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी की गई है और इसके किनारे लोग टहलते भी हैं। देख सकते हैं कैसा है ये पीपल पेड़, देख रहे हैं काफ़ी पुराना है, जब ये बन रहा था उससे पहले का नहीं, इसको हटाया नहीं गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ देख सकते पुराना जा रहा है, হ্যাঁ এটা আসলে ভালো একটা কাজ, অনেক রাস্তাঘাট তৈরি করতে গেলে কিন্তু গাছগুলো কেটে ফেলে, এটা খুবই খারাপ একটা। আচ্ছা চলিয়ে আপকো কম মুখ দ্বার দিখাতা হুম আপ ইয়া দেখে কোভিড টাইম পে দেখ সকতে হ্যাঁ পে মার্কিং কি গই হ্যায় গোলে ওয়ালি তাকি 2 গজ কি দূরি লোক বানা কে চলে। আচ্ছা চলিয়ে মে পার্কিং এরিয়া ভি দিখাতা হুম ইয়া কাম আর ইয়া পে দেখ সকতে ইস সাইড মানুষ ভিতরে ঢুকবে সেটা যে স্পেসটা পাকা করে রাখা হয়েছে। और दोपहिया चार पहिया पार्किंग इस साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ये देख रहे हैं साइड, ये है लिफ्ट लगाया जा रहा है ताकि अच्छा में लोग जो प्लेटफॉर्म पार करना उनको आसानी हो। देख सकते हैं लिखा कार पार्किंग, अब पूरा परिसर में अच्छी खासी लाइटिंग की गई है। देखिए इनका आना भी ज़रूरी था, इनको भी किसी को ड्रॉप करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दूर से देखेंगे तो आपको गांधी जी दिखेंगे यहाँ से, ये देखिए गांधी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए बाहरी परिसर है, बारिश से थोड़ा पानी जमा हो गया है, ऐसे कोई बात नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पार्किंग बनाया गया है, जो भी 3 पहिया ऑटो होते हैं वो यहाँ पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। फिलहाल इतना परिसर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ का है, बनारस रेलवे स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार है। अब हम मेन रोड पर आ रहे हैं, ये जो मेन रोड देख रहे हैं आप, दाहिने तरफ चला जाएगा मंडवाड़ी चौराहा, वहीं बाएं तरफ चला जाएगा ककरमत्ता। ये देखिए यहाँ पर इसके सामने रेलवे लाइन भी है, ये जो रेलवे लाइन देख रहे हैं ये चला जाता है BLW बनारस रेलवे कारखाना की तरफ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाता है। देख सकते हैं बाहर कैसा नज़ारा है, देखिए तभी आपको मज़ा आएगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हरण महादेव। আচ্ছা ভিডিওটা অনেক ছোট ছিল কিন্তু সুন্দর ছিল, হ্যাঁ সুন্দর ছিল, অনেক স্টেশনটা অনেক সুন্দর ছিল, হ্যাঁ এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে স্টেশনটা আসলে অনেক সুন্দর ছিল এবং অনেক বড় জায়গা নিয়ে কিন্তু করেছে এবং ফাঁকা ফাঁকা স্পেস রেখেছে যাতে করে মানুষ মুভমেন্ট করতে পারে, হাঁটাহাঁটি করতে পারে, পার্কের মতো জায়গা আছে বসতে পারে সেখানে, তারপর হচ্ছে পার্কিং এর যে এরিয়াটা আছে ভিতরে বসার যে জায়গাগুলো আছে এবং সাথে কিন্তু তারা এলইডি মনিটর লাগাচ্ছে, যেটা এটা এখনো চালু হয়নি, চালু হয়নি, যেটা হচ্ছে চালু হলে ওখান থেকে অটোমেটিক্যালি তারা টিকিটের কাউন্টারে যে লাইন ধরে দাঁড়াতে পারবে, টিকিটটা অটোমেটিক ভাবে নিতে পারবে এবং ওখানে দেখতে পারবে যে হ্যাঁ যখন ফুল কোয়ার্টারটা দেখতে পারবে করবে তখন এগুলো চালু হয়ে কোন ট্রেনটা কোনটা পর আসছে এটা দেখতে পারবে, অনেক কিছু সুবিধা হবে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওখানকার মানুষের জন্য একটা সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে আর ট্রান্সপোর্টেশন
যেখানেই ভালো ব্যবস্থা হোক না কেন তার আশেপাশের জায়গাগুলোকে কিন্তু উন্নত করে ফেলে। তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা ওই জায়গার জন্য মানুষের জন্য সফল বয়ে আনবে। অবশ্যই আগে এখানে অলরেডি রেল স্টেশন ছিল, বাট সেটা এতটা ডেভেলপ ছিল না। এখন যেহেতু কলকাতা থেকে দিল্লি এরকম যেটা বলছিল ভিডিওর মধ্যে কিংবা অন্য কোনো প্লেসের কথা বলেছে, আমি হয়তো ক্যাচ করতে পারিনি, সেই ট্রেনটা এদিক দিয়ে যাবে যেটা হচ্ছে বুলেট ট্রেন। কলকাতা থেকে তাদের ওখান পর্যন্ত আসবে, মানে বানারস পর্যন্ত এরকম না, দিল্লির একটা ট্রেনের কথা বললো উনি অলরেডি। যাই হোক, একটা বুলেট ট্রেন চালু হবে যার জন্য আসলে স্টেশনটা ডেভেলপমেন্ট চলছে এবং ইনসাইডের ডেভেলপমেন্ট মোটামুটি কমপ্লিট, আর ফুল এসি করার জন্য এখন প্রিপারেশন নেওয়া হচ্ছে। ওইভাবেই আসলে ডেকোরেশনটা তৈরি করা হয়েছে এবং বাহিরের পরিবেশটা খুবই চমৎকার। বাহিরে আসলে এত ফ্রি স্পেস যে কেউ যদি ট্রেনের জন্য ওয়েট করতে চায় তাহলে আসলে সে বাইরে এসে হাঁটাহাঁটি করে কিছু সময় তার পাস করতে পারে। পার্কের যে মতো যে জায়গাটা সেখানে কিন্তু আসলে সে অনেকটা সময় পাস করতে পারে, আর ভেতরের জায়গা কিন্তু একদমই কম না, ভেতরে অনেক জায়গা, অনেক জায়গা। আর তবে তার উচিত ছিল যে প্ল্যাটফর্মের জায়গাটা আরো বেশি করে দেখানো এবং প্ল্যাটফর্মে কি ধরনের সুবিধা আছে সেটা কিন্তু সে খুব বেশি দেখায়নি, শুধুমাত্র শুরুতে অল্প একটু দেখিয়েছে এবং সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তারপরেও কিন্তু প্ল্যাটফর্মের যে পরিবেশটা ছিল সেটা চমৎকার ছিল। নর্মালি দেখা যায় যে সন্ধ্যার দিকে একটা গ্যাদারিং এর মতো থাকে অন্য অন্য প্ল্যাটফর্ম যেমন দেখেছে, এখানে কিন্তু এরকমটা ছিল না, মানুষজন ঘুরছে কিন্তু অল্প কিছু মানুষ ছিল। আর ওভারঅল হচ্ছে যে স্টেশনের যে এখনকার যে ডিজাইনটা এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে, তিনটা পার্টে ডিজাইন করেছে, দুই পাশে দুইটা অফিসের মতো করেছে, মাঝখানে টিকিটিংয়ের সিস্টেম। তো ওভারঅল ভিডিওটা ভালো লেগেছে কারণ স্টেশনটা দেখতে ভালো লেগেছে। তো যাই হোক, আজকে আমাদের এই ভিডিও রিয়াকশনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।